आज मैं मैगी बनाने बताऊंगी। वैसे तो मैगी सभी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम सामने आ जाता है जो कि मैगी थोड़ा उतना अच्छा नहीं बन पाता। जैसे कि कभी कभी होता है कि मसाला अच्छा से घुला नहीं, कभी कभी होता है कि आपका मैगी चिपचिपी बनी। वो सारा प्रॉब्लम को इस वीडियो में सोल्यूशन मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम मैगी को पहले पैकेट को काट लेते हैं। और जो मैगी के पैकेट के अंदर एक मसाला का पैकेट है उसे भी काट लेंगे। अब दोनों पैकेट कट गए हैं तो इसे रखते हैं एक साइड में और आगे के तैयारी करते हैं। यहाँ गैस ऑन कर देते हैं। गैस ऑन करने के बाद एक कटोरा में एक गिलास पानी डाल के गैस पे चढ़ा दिए हैं। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे, हल्का गुनगुना गर्म होने देंगे। पहले ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे, गुनगुना होने देंगे। जैसे गुनगुना पानी हो जाए उसमें मसाला का पैकेट डाल देंगे। अब इसे चम्मच की मदद से चला लेते हैं। अब इसमें एक चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। इससे होगा कि क्या कि आपका मैगी चिपचिपी नहीं बनेगी, खिली खिली बनेगी। एक चम्मच तेल डालने से मैगी में चिपचिपाहट उतना नहीं रहता, मैगी आपका खिला खिला बनेगा। अब इसमें अच्छी तरह से पानी जब गर्म हो जाए, उबाल आने से पहले ही मैगी डाल देना है। जब पानी में उबाल आने से पहले मैगी को डालेंगे और इसे उलट पलट देंगे और पानी में अच्छी तरह से डुबो देंगे। पानी में अच्छी तरह से डुबो देंगे क्योंकि मैगी अच्छी तरह से तभी पकेगा जब पानी में अच्छी तरह से डुबा रहेगा। देखिए एक बार इस तरह से मैगी को खोल देंगे। अब इसे उबलने देते हैं। इस टाइम ना गैस को रखेंगे लो टू मीडियम में, हाई पे नहीं रखेंगे, नहीं तो जल्दी से पानी उड़ जाएगा। एक बार और चला लेते हैं क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला नीचे करेंगे, नहीं तो क्योंकि ऊपर वाला उतना पकेगा नहीं, नीचे वाला पूरी अच्छी तरह से पक जाएगा, इसलिए उलट पलट देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा कवर कर दे रहे हैं, हल्का सा ओपन रखेंगे, देख सकते हैं थोड़ा सा ओपन रखें। बस एक बार फिर चला लेते हैं। बस मैगी तैयार हो गया है, देख सकते हैं। अब इस टाइम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया, अब देखिए कुछ ठंडा हो गया। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैं टोमेटो से सॉस से डेकोर कर दे रही हूँ थोड़ा सा, तब तक ये मैगी ठंडा भी हो जाएगा। देख सकते हैं मैगी तैयार हो गया खाने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह का टेस्टी हेल्दी और रेसिपी के साथ, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।